मैनू प्यारे विद्यार्थियों, सत्तवीं जमात की गणित की किताब का पाठ अठवां राशियां की तुलना अभ्यास नंबर 8.2 ते इस अभ्यास के अगले तीन सवाल सत्तवां चार सवाल सत्तवां अठवां नौवां दसवां असं इस वीडियो कर जा रहे हैं। सो तुसी सारे नोटबुक और पेन लैके हल अपनी नोटबुक में उतार लो, वीडियो में बड़े ध्यान देखो तो सुनो, तो मगरों की इन्हों सवालों बिना देखे अपने आप करने का अभ्यास जरूर करो। सो शुरू करिए। सो सत्तवां सवाल है बच्चों, चाक विच कैल्शियम जहाँ चाक दे नाल असी ब्लैक बोर्ड ते लिखते हैं, है ना, उस कैल्शियम एक तत्व हुंदा कार्बन रेत की मात्रा का अनुपात 12:3:10 है, अर्थात 12 हिस्से कैल्शियम, 3 हिस्से कार्बन 10 हिस्से रेता, ठीक है। चाक विच कार्बन की प्रतिशतता पता करो। सो बड़ा सौखा है बच्चों, कुल भाग है जिहड़े जोड़ लेने ने 12 जमा 3 जमा 10, 12 3 15 जमा 10 25। कार्बन के भाग किन्ने ने? 3। देखो कार्बन दूजे नंबर दे ना, कैल्शियम पहला, फिर कार्बन, फिर रेत, फिर कैल्शियम कार्बन ते रेत। सो कार्बन के भाग ने 3। सो कार्बन की प्रतिशत कितनी हो जाएगी? कार्बन के भाग बटा कुल भाग गुणा 100 लिख के प्रतिशत। बस कार्बन के भाग किन्ने ने? 3। कुल भाग किन्ने ने? 25। सो 25 एकम 25 ते 25 चौका 100। सो 3 गुणा 4 आ गया, 3 चौके 12, 12 प्रतिशत। इस तरह चाक विच कार्बन 12% है, या चाक विच कार्बन की प्रतिशत 12%, 12% है, ठीक है। हुण चलिए अठवां सवाल, 3 भाग ने इहदे, एक एक करके करदे हां। हेठ दित्ते अनुपात दे हर एक भाग नूं प्रतिशत विच लिखो, हर एक भाग नूं। जिदा पहले सवाल च 3 भाग सीगे, है ना, कैल्शियम कार्बन ते रेता, ते कल्ला कार्बन दा कड्डिया, उन्होंने कहा भी हर एक भाग दा करो। जिदा इहदा पहला पद दूजा पद, फिर यह पहला पद दूजा पद, यह पहला दूजा तीजा पद दिता, ठीक है, सारे ने कटने ने। सो पहला भाग जिहड़ा है बच्चों, भाग पार्ट वन जिहड़ा है वाला 3:1, अर्थात 3:1। कुल भाग किन्ने हो गए? 3 जमा 1 बराबर 4। सो पहले भाग की प्रतिशत की हो जाएगी? पहला भाग बटा कुल भाग गुणा 100%। सो पहला भाग किन्ना? 3। 3 ते कुल भाग किन्ने? 4। 3/4 गुणा 100, 100 नूं 4 नाल जिले गुणा करो 25 आंदा, ते 25 तिया 75, 75% आ गया, 75%। सो दूजे भाग की प्रतिशत, दूजा भाग बटा कुल भाग, ते दूजा भाग किन्ना? 1। ए देखो 1/4, सो 100/4 25, 25 गुणा 1 25, सो 25%। यह साडा हो गया पहला इस सवाल का पार्ट। हुण दूजा करदे आं बड़ा, 1:4। सो कुल भाग 1 जमा 4 बराबर 5। पहले भाग की प्रतिशत, पहला भाग बटा कुल भाग गुणा 100%। सो पहला भाग 1 है गया, कुल भाग 5 ने, सो 1/5 गुणा 100, 100 नूं 5 नाल भाग करिए तो 20 आंदा, तो 20 एकम 20, 20%। इसी तरह दूजे भाग की प्रतिशत, दूजा भाग बटा कुल भाग, दूजा भाग साडा हैगा 4, 4 ते कुल भाग 5 ने, सो गुणा 100, सो 100/5 आंदा 20, ते 4 गुणा 20 हो गया 80, 20 चौके 80, 80%, ठीक है। आओ हुण इह वाला हिस्सा करिए तीजा। सो तीजा भाग आ गया, कुल भाग हो गए 4 जमा 5 जमा 6, 4 5 9 6 15, ठीक है जी। सो पहले भाग की प्रतिशत, पहला भाग बटा कुल भाग गुणा 100%। पहला भाग 4 है, कुल 15 है, सो 5 गुणा 20, 5 ना जिले मैं कट्टांगा तो इतने 20 आ जाएगा, थले 3 आ जाएगा, सो 20 चौके 80, सो 80/3, 80/3 होंगे 26, सही 2/3%, ठीक है। सो दूजे भाग की प्रतिशत, दूजा भाग बटा कुल भाग, दूजा भाग 5 है गया, कुल भाग 15 है, सो 5 एकम 5, 5 तीए 15, सो 100/3 हो गया। 100 नूं जिले 3 ना भाग करो, 33 भागफल, 1 बाकी, ते 3 भाजक है गया, सो 33 1/3%, ठीक है। हुण इहदा असीं इहवला भाग वी करन वाले, 6वें दा इहवला तीजा पद। सो तीजे भाग की प्रतिशत हो जाएगी, तीजा भाग बटा कुल भाग, तीजा भाग 6, कुल भाग 15, 6/15, सो 3 दूनी 6, 3 5 15, ते 5 दूनी 10, सो 20 तिया 60, सो सॉरी माफ करना बेटे, 5 तीए 15 ते 5 2, सो इत्थे आ जाएगा तुहाडा अपना 5 तीए 15, 5 दूनी 10 2, ते 3 दूनी
6, सो 2 गुणा 20, सो 2 गुणा 20 40% साडा है आ गया। ठीक है, सो यह साडा हो गया सवाल नंबर 8। हुण नवां सवाल है तो बड़ा ही सौखा है बच्चों, जवानी हो जाएगा। दिते हुए प्रतिशतों को दशमलव भिन्नों में बदलो। बच्चों यह चीज़ मैं तुम्हें पहले दसी भी हुई है पहले वीडियो में कि प्रतिशत को मैं 1/100 लिख सकता। सो प्रतिशत को हटा लेना है, जिथे कहते ना प्रतिशत को दशमलव भिन्नों में बदलो, सो प्रतिशत हटा के 100 कर देना है। सो 28/100, 1 2 1 2, सो 0.28 जवाब आ गया। सो सौखा, मतलब कि आराम दे पूरे बटा पूरे नंबर। सो 3% नु दशमलव करना है, सो प्रतिशत हटा के 3/100 कर देना है। सो 1 ते 2 1 ते 0 ला के 2 आएंगे, 1 2 ते फिर दशमलव आ जाएगा। सो 0.03। तो जे इदा जे मिश्रित भिन्न आ जाए तो फिर इन साधारण भिन्न में बदल लेना पहले। सो 37 गुणा 2 जमा 1, 37 गुणा 2 कितना हो जाता है 74, ते जमा 1 75, बता 75/2। सो 75/2 का मतलब 37.5%, पहले इदा कर लेना है। सो 37.5 हूँ दशमलव हटा प्रतिशत हटाता तो 100 तो फिर 1 2 1 ते 2, क्यों इतने पहले दशमलव है गया। सो इतों की गिनना पुठे पासे सज्जे तो खबे 1 ते 2, तो दशमलव इतने आ जाएगा 3 तो पहला। सो 0.375 कितना सौखा है बचो। ए तो बड़े आराम के नाल तुसी सवाल कर सकते हो। आओ दसवां सवाल करिए। दिते हुए दशमलव भिन्नां नूं प्रतिशत विच बदलो, यह जिहड़ा सवाल असीं कीता है उहदा उल्टा। सो बच्चो प्रतिशत का की तरीका है बदलन का, जिहड़ी संख्या दिती है दशमलव दिती है उहनूं 100% नाल गुणा कर देना है, क्योंकि 100% 1 दे बराबर हुंदा है। सो किसी भी संख्या नूं 1 नाल बदले 1 नाल गुणा कीतिआं उहदे मुल विच कोई फर्क नहीं पैंदा, ते 1 नूं मैं 100% लिख सकदा। ठीक है, सो 0.65 गुणा 100%। हुण इत्थे 1 ते 2 0 ने, जद गुणा हो रहा है तो दशमलव सज्जे पासे खिसक जाएगा दो थां ते 1 ते 2। सो आएगा 65.00%, अर्थात 65%। ठीक है, सो इसी तरह 0.9 नूं जिहड़े 100 दे नाल गुणा 100% दा करांगे, ते 1 ते 2, सो 1 2 0 पा के 0.00, 1 2 0 पा के 0, सो 90.0 का मतलब 90%। बड़ा सौखा है। सो ये 2.1 है गया, तो 100% में गुणा करांगे, सो यह हो जाएगा बचो 1 ते 2, क्योंकि 2 0 है ना 1 ते 2, सो यह बन जाएगा 2 1 10, इतने 1 ते 2 इधर आ जाएगा, सो 0.0, सो 210%। बस कितना सौखा है बचियो। सो 9वें सवाल में असी प्रतिशत को दशमलव में बदलिया, तो 10वें सवाल के असी दशमलव भिन्नों प्रतिशत में बदलिया। सो बच्चों बड़ा ही सौखा है, इन्हों का अभ्यास तुम जरूर कर लेना है, क्योंकि गांह जल्दी क्लासों में व्डिया जाओगे तो फिर यह सारे काम जोड़े ने तुम्हें जबानी आने चाहिए ने। जे हूँ तुम इन्हों चंकी तरह कर लोगे तो गांह वास्ते इन्हों जबानी करन जोगे हो जाओगे। सो तुसी बच्चो इसी तरह नेम दे नाल, उत्साह दे नाल, अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई गुड बाय। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, रब राखा।